नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कार्यक्रम इतिहास के पन्ने। इसमें हम इतिहास में बीते दिनों क्या कुछ हुआ है, कोई मेजर लैंडमार्क, कोई मेजर एनिवर्सरी, उसको फोकस में रखते हुए हम अतीत की तो बात करते ही हैं, लेकिन साथ ही आज की दुनिया में, आज के हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उस मुद्दे को लेकर उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। आज से ठीक 10 साल पहले दिल्ली में एक जघन्य रेप कांड की वजह से भयानक प्रोटेस्ट हो रखा था। मीडिया में बहुत डिबेट छाया हुआ था, राजनीतिक गहमागहम गहमी थी। एक तरह से पूरा जो हिंदुस्तान में हलचल मची हुई थी, ट्यूमल्ट हम बोल सकते, वो देखने को मिल रहा था। दिल्ली में एक युवती का गैंग रेप हुआ था और वो अस्पताल में स्ट्रगल कर रही थी। पहले हिंदुस्तान में थी, उसके बाद उनको विलायत ले जाया गया। एक तरह से ये हिंदुस्तान में जो रेप केसेस और जो क्रिमिनल केसेस हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, उसके बारे में कहा जा सकता है कि 2012 का जो केस था एक वॉटरशेड था। लेकिन 10 वर्ष बाद क्या रेप केसेस कम हुए? क्या समाज का रेप के प्रति जो सवाल उठे थे उस समय, क्या उनको लेके कोई परिवर्तन हुआ है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समाज का एक आधा हिस्सा की हम बात कर रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं इंदु अग्निहोत्री जी, जो बहुत ही वरिष्ठ इतिहासकार रही हैं। ये सेंटर फॉर वुमेन्स डेवलपमेंट स्टडीज में प्रोफेसर भी थी और डायरेक्टर भी थी। और बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ये करीब 4 दशक से भी ज्यादा वक्त से विमेंस मूवमेंट के साथ जुड़ी हुई है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि जो विमेंस मूवमेंट जो लेट 70s और अर्ली 80s में एक तरह से नेशनल स्टेज पे आके एक मेजर कंसर्न के तौर पे बैठा, उस शुरुआती दौर में इंदु जी हमारे साथ रही। तो इंदु जी, हमारे इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो आने के लिए बहुत धन्यवाद। आपके साथ एक बहुत लंबे समय से हमारा इन मुद्दों पे बातचीत होती रही है। आप हमारी सीनियर भी रही हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, एक तरह से एक इंस्पायरिंग विमेंस मूवमेंट की लीडर रही हैं, प्लस डेमोक्रेटिक एंड सिविल राइट्स को लेके हमेशा से लड़ती रही हैं। सबसे पहला मेरा जो सवाल होता है कि 2012 में एक दिल्ली में एक रेप केस होता है, जघन्य रेप केस होता है। सवाल यह है कि उस पर्टिकुलर रेप केस पर उतना एक्सट्रीम रिएक्शन समाज की तरफ से क्यों हुआ? क्या ये एक तरह से स्पिलओवर इफेक्ट था 2011 में जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन देखने को मिला था, एक तरह से यूपीए 2 का जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा था उसको लेके एक नई किस्म की अरब स्प्रिंग की बात हो रही थी, हिंदुस्तान में पैरेलल्स की हो रही थी, तो क्या इन सब चीजों के वजह से, और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल मोटिवेशन था? हमको ये याद रखना होगा कि 2012 तक लगभग तय हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी प्रमुख चैलेंजर के तौर पर उभरेगी और भारतीय जनता पार्टी में भी नरेंद्र मोदी, हालांकि ऑफिशियली नेम नहीं किए गए थे, लेकिन ये मोर ऑर लेस तय था कि उस पार्टी की लीडरशिप, उस पार्टी की प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट के तौर पर नरेंद्र मोदी का नाम किसी ना किसी तरीके से आएगा। तो क्या इन सब चीजों की वजह से एक पर्टिकुलर इंसिडेंट उतना बड़ा नेशनल इश्यू बन गया है? निरंजन, आपने कई सारी पहली बात तो शुक्रिया मुझे इस शो पे आमंत्रित करने के लिए, आपने कई सारी बातें इकट्ठी कही। देखिए, जो राजनीतिक संदर्भ होते हैं वो सामाजिक आंदोलनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर उसमें ऐसा कुछ ढूंढना, क्योंकि देखिए जो आप अरब स्प्रिंग्स की बात कर रहे हैं और उधर भाजपा के थोड़ा प्रभावशाली होने का और राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो बाद में सरकार भी बनी,
तो दोनों में वास्तव में उस तरीके से तो कोई मेल नहीं है, क्योंकि भाजपा जिन विचारों को का प्रतिनिधित्व करती है उसमें तो महिलाओं के लिए कोई खास जगह है नहीं, और उसमें कोई उनके लिए कोई इज्जत का स्थान हो या उनके लिए कोई न्यायिक प्रक्रिया में एक अहमियत दी जाए, ऐसे तो हमारे पास आज भी कोई हमारे पास प्रूफ नहीं है कि इस लेकिन ये है कि एक मैं समझती हूँ कि भाजपा से ज्यादा उस वक्त दो तीन चीजें थी कि दिल्ली में माहौल बहुत मतलब एक ऊब आ गई थी कि जिसको हम कहते हैं एक अनरिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही। आप देखिए कितने निर्भया कांड से पहले कई रेप केसेस और मर्डर्स भी हुए थे, आप जर्नलिस्ट थे सौम्या और जिज्ञासा मेरे ख्याल से, तो दिल्ली की जो औरतें हैं और जो पब्लिक है वो इन चीजों से काफी ऊब चुकी थी और नाराज भी थी कि भाई इतना कुछ होता जा रहा है। हमारे मिडिल क्लास के बीच में भी बहुत एक गुस्सा था कि जो सुरक्षा का सवाल है उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा, तो महिला संगठन तो लगातार इन चीजों पर कर रहे थे। और लेकिन जैसे आपने कहा सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति में अंतर संबंध होता है। अभी क्या है, और ज्यादा लड़कियों को अलग अलग और नव युवतियों को अलग अलग दिशाओं में शहर के कोनों में जाना पड़ता है काम की तलाश में, किसी तरह अपनी जीविका उपार्जन के लिए, और सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है, आज भी नहीं है, आज भी नहीं है। 10 साल बाद अगर हम देखें, अभी भी अगर हम युवतियों के साथ बात करते हैं तो सबसे पहले ये सवाल उठता है, दो चीज़, एक तो काम नहीं है, काम के लिए अलग अलग असुरक्षित स्थान पर असुरक्षित हालात में काम ढूंढने काम करने जाना पड़ता है। आप देख सकते हैं वो उत्तराखंड में वो जो अंकिता कांड हुआ है, मतलब किस, तो ये जो स्थिति है उसमें हम देख रहे हैं परिवार इन लड़कियों की इनकम पर चलते हैं कई बार या निर्भर होते हैं, तो नई एक नई चुनौतियां और नवउदारवादी जो दौर है उस अर्थव्यवस्था के नई चुनौतियां। लेकिन क्या है कि सामाजिक सोच और सामाजिक सोच का जो प्रतिबिंब हमें प्रशासनिक सोच में दिखता है, क्योंकि क्या है अगर हमारी सोच ये है कि लड़कियों को तो बाहर निकलना ही नहीं है और उन्हें घर में रहना चाहिए, तो जो प्लानिंग होती है जो नीति निर्धारण होता है जिसमें कि प्रशासन को नीतियां तय करनी चाहिए कि भाई ये भी चाहिए, यहाँ सुरक्षा चाहिए, यहाँ लाइट चाहिए, यहाँ सड़कें चाहिए, यहाँ सार्वजनिक यातायात का इंतजाम होना चाहिए। मैं समझती हूँ मेट्रो से बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन मेट्रो कौन अफोर्ड कर सकता है, कौन अफोर्ड कर सकता है। मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जिनके घर से सीधे मेट्रो आती है, लेकिन वो औरतें मेट्रो अफोर्ड नहीं कर सकती, वो धक्के खा के बसों में ही आती हैं, अभी भी वो स्थिति है। तो ये व्यापक चीज है, लेकिन जो आक्रोश था वो ये था कि ये सब हो रहा है और सरकारी प्रतिष्ठानों की तरफ से और जो जिम्मेदार हैं इन ओहदों पे बैठे हुए उनकी तरफ से, और आप देख लीजिए अगर हम देखें कि वर्मा कमेटी का जो दबाव रहा और उसके बाद, लेकिन जब वो आंदोलन चल रहा था महीना भर करीब आंदोलन चला शहर के अलग अलग कोनों में और बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा, मैं इस शहर से हूँ, मैंने इस शहर में बहुत से विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया और मैं कह सकती हूँ कि जब मैं उस समय पर पहले ही दिन से मैं तो उस विरोध में गई, तो जो गुस्सा मैंने देखा लोगों के बीच में वो बहुत दिनों बाद उस तरीके का गुस्सा मैंने इस पैमाने पर देखा, लेकिन प्रशासन की तरफ से तो कोई रिएक्शन ही नहीं था, कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से भी कोई रिएक्शन नहीं था। वो तो दबाव क्योंकि करीब महीना भर बना रहा अलग अलग स्तर पर और उसका एक प्रतिक्रिया हुई, ठीक है राजनीतिक संदर्भ इस रूप में काम करते हैं कि शायद मीडिया ने जो उसकी कवरेज दी वो शायद तब नहीं होती अगर एक प्रो कांग्रेस सिंपैथेटिक एनवायरनमेंट उस वक्त होती है। इन चीजों का असर पड़ता है, हम देखते हैं उससे पहले पूरा केजरीवाल आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे, तो उन चीजों का एक बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि में वो रहती है। पर मैं उसको भाजपा के
बढ़ते प्रभाव से इसलिए नहीं जोड़ूंगी कि ऐसा नहीं था कि भाजपा के प्रभाव से का इस आंदोलन से कोई संबंध था, मुझे ऐसा नहीं दिखता है। क्योंकि अगर कोई राजनीतिक प्रवृत्ति या रुझान था जिसका इस आंदोलन के साथ थोड़ा एक मेल था, थोड़ा जो हम कहें स्टूडेंट्स के बीच में और महिला संगठनों के माध्यम से भी शहर के अंदर, तो वो जो वामपंथी संगठन है शायद वो ज्यादा, लेकिन हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में वामपंथ का उतना प्रभाव उस रूप से राजनीतिक प्रभाव नहीं है। स्टूडेंट्स के बीच में है, महिलाओं के बीच में भी और आम एक तबके के बीच में थोड़ा है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता। एक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है कि 2012 और उसके पहले, अभी हम कार्यक्रम के पहले हमारा आप जब चर्चा कर रहे थे, हम 1980 के दौर को याद कर रहे थे जब माया त्यागी रेप केस के बारे में बातचीत हो रही थी, जब एक बागपत में एक महिला को उनके हस्बैंड को मार दिया गया था और ये कहा गया था कि ये एक डकैत परिवार है और ये उनके साथ मिली जुली है, फिर उसके को लेके एक मेजर एक राष्ट्रीय आंदोलन और एक बहुत बड़ा रोष देखने को मिला था। लेकिन एक जो चीज हमको समाज की तरफ से जो सेंटिमेंट हमको 1980 में भी दबे स्वरों में सुनने को मिली थी, 2012 में भी सुनने को मिली थी और अभी भी सुनने को मिलती है कि उतनी रात को वो लड़की क्या कर रही थी, वो क्यों फिल्म देख के उतनी रात को अपने मित्र के साथ आ रही थी, क्या उसमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि उस बस में नहीं चढ़ना चाहिए जिसमें कोई और पैसेंजर नहीं है। तो ले दे के अल्टीमेटली होता कि दोष विक्टिम का है, लड़की का है या महिला का है, प्रोवोकेटिव कपड़े पहनना ये अक्सर सुनने को देखने को मिलता है। तो ये सब जो चीजें हैं ये उसका मतलब है कि दोष कहीं हमारे समाज में ही है। महिलाओं को किस तरह से हम लोग देखते हैं इसके बारे में मैं आपके विचार सुनना चाहता हूँ। देखिए ये समस्या तो शुरू से रही है, माया त्यागी का आपने जिक्र किया, उससे पहले बहुत बड़े कुछ कांड हो चुके थे जिनका राष्ट्रीय स्तर पर विरोध का इजहार हुआ था, जैसे मथुरा कांड तो मशहूर है ही, जो कस्टडी में रेप हुआ था और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल कानून को लेकर उठे थे कि भाई अगर कस्टडी में पुलिस की हिरासत में कोई रेप हो रहा है तो वहां कंसेंट का या उनकी सहमति का तो कोई सवाल ही नहीं, और इस पर बहुत लंबी बहस हुई थी। इसके अलावा आपको याद होगा हैदराबाद में उस समय पर एक रमीजा भी कांड हुआ था, उसका भी बहुत जिक्र हुआ था। माया त्यागी वाले केस में सिर्फ वो पूरा ये उस माया त्यागी को स्ट्रिप करके परेड किया गया था और उस पर बहुत ज्यादा एक गुस्सा था, तो और वो इमरजेंसी के बाद जो माहौल था उसमें महिलाओं के प्रश्न बहुत खुलकर सामने आए, महिला संगठन भी उस दौर में नए उभर के आए, तो एक संगठित प्रयास था इन चीजों पर बहस करने का, खुलकर इनको सार्वजनिक रूप से इन पर ध्यान खींचने का और इनके विरोध, और विरोध के साथ साथ ये भी कि जो प्रशासनिक नीति है और जो कानून व्यवस्था है उसमें ये चिंता जो महिला संगठनों की और आम महिला की हिफाजत का सवाल है, वो चिंताएं कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, पुलिस के जो छानबीन की प्रणाली है, पुलिस के जो काम के तौर तरीके हैं उस पर, मतलब माया त्यागी वाले में जो पुलिस का और डीएसी का खुलेआम रोल था तो उस पर तो बात सारी चर्चा ही उस पर थी, लेकिन कि पुलिस की क्या भूमिका रहती है, एक तो खुलेआम खुद उल्लंघन करना और उल्लंघन करने के साथ जो छानबीन में ढील ढाल, जो आज भी मैं समझती हूँ आज भी वो इश्यूज हैं कि आप कितना ही प्रोटेस्ट कर लीजिए न्याय मिलेगा ये इस पर डिपेंड करता है कि छानबीन कैसे हुई, इन्वेस्टिगेशन कैसे हुआ, जो सबूत हैं उनको कैसे इकट्ठा किया, वक्त पे इकट्ठा किया कि नहीं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको हम आज SOP के नाम से कहते हैं कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह। सिर्फ यही नहीं, गजरौला का कांड हुआ था आपको याद होगा, तो उसमें भी महिला संगठनों ने बहुत
विशिष्ट और साफ तरीके से गुजारिश की थी सरकारी एजेंसियों से कि भाई आप और जवाबदेही होनी चाहिए, पुलिस प्रशासन में जो भी लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी उनकी जवाबदेही होनी चाहिए और कस्टोडियल इश्यूज का भी। तो मैं समझती हूँ कि देखिए बदलाव एकदम से तो नहीं आता, लेकिन हर स्तर पर इन केसेस के माध्यम से महिला आंदोलन ने एक इतिहास बनाने की कोशिश की है कि बहस ही नहीं, सिर्फ बहस का स्तर गहरा हो, लेकिन बहस के अलावा न्याय प्रक्रिया और न्याय मिलने की जो प्रक्रिया उसमें जो देरी हो, जिसको हम लोग दो चीजें कहते हैं, जस्टिस, सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस एंड टाइम बाउंड स्पीडी जस्टिस, ये जो हम जो निर्भया कांड के बाद भी लगातार जिन चीजों पर और उसके साथ की एसओपी फॉर पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज कि भाई आपकी जवाबदेही होनी चाहिए, अगर आपको जो आपको करना चाहिए वो आपने नहीं किया है तो उसमें कैसे आपकी जवाबदेही ठहराई जाए ताकि अगली बार ये ऐसा कोई कांड हो तो जो ड्यूटी पर है अफसर वो उसे लाइटली ना ले। जो हैदराबाद का कांड हुआ निर्भया के बाद जो जिसको क्या दीक्षा केस जो कहते हैं, जिसमें फिर उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ के मार दिया, मतलब पुलिस के तो कोई जवाबदेही कहीं आती ही नहीं है ना, और जस्टिस इतनी डिलेड होती है कि फिर आप कहें कन्विक्शन रेट। अब कन्विक्शन रेट में भी प्रॉब्लम क्या होती है, जहां तो छूट जाते हैं वहां तो बिल्कुल छूट गए तो कोई सवाल ही नहीं, जहां उनको ठहराया गया मुजरिम करार कर दिया गया वहां तो वो अपील में जाते हैं, या फिर आप देखिए दूसरे तरीके के कांड होते हैं। अब जो बढ़ गया है वो ये कि पहले बात तो औरतें कंप्लेंट करती नहीं है, अगर वो शिकायत दर्ज करती हैं तो उनको उनके परिवार वालों तमाम लोगों को धमकी दी जाती है, उनके ऊपर तरह तरह के हमले होते हैं इतने ऐसे, और हमारी पुलिस इस जो संबंध है एक केस और उससे जुड़ी हुई दोबारा जो हिंसा होती है उसके बीच संबंध को एस्टैब्लिश नहीं करती है, जिससे कि हमारे पास आज वो डेटा नहीं आ पाता है कि भाई एक कंप्लेंट हुई एफआईआर लॉज की, उस घर के उस परिवार के कितने लोगों पर किस तरीके के और दबाव आए, हमले हुए, वो तो हमारा जो डेटा है पहले से कुछ मायनों में बेटर है। आंदोलन के दबाव से जो हेड्स ऑफ क्राइम्स है वो भी थोड़ा, लेकिन सरकारी एजेंसियां खासतौर से एनसीआर भी जो थानों से करती है, हम सब जानते हैं कि थाना लेवल पे क्या चलता है और कैसे क्राइम दर्ज न कराने के लिए एक पूरी वो रहती है कोशिश। एक सवाल ये उठता है कि जैसे आपने जिक्र किया कि 1980 के दशक के बाद कानून में काफी फेरबदल हुए और एसेंशियली विमेंस मूवमेंट के प्रेशर की वजह से हुए, उसी तरह से 2012 में देखने को मिला कि पब्लिक प्रेशर की वजह से सरकार को इमीडिएटली वर्मा कमीशन का गठन करना पड़ा। वर्मा कमीशन ने बहुत ही कम समय में बहुत ही मेजर एक रिपोर्ट पेश की और उसमें कुछ बहुत ही सटीक रिकमेंडेशंस किए और जिसके चलते हमारे क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुए। उस अमेंडमेंट्स को लेके शुरू में काफी उत्साह था, उसके बाद पिछले 10 वर्षों में कई लोगों ने बोला है कि शायद जो मेजर जो हुआ था कि रेप की डेफिनेशन को वाइडन किया गया था, जितना मैं समझता हूं वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी। 10 साल बाद जो कानून में जो फेरबदल हुआ उसको आप किस तरह से एसेस करके देखते हैं और आपको क्या लगता है कि क्या इसमें कुछ और परिवर्तन या अमेंडमेंट की जरूरत है? अब परिवर्तन की तो जरूरत अभी भी है, लेकिन आंदोलन की तरफ से अब भी सबसे ज्यादा दबाव इस बात के लिए है या चिंता कि केस आगे बढ़ते ही नहीं है, केस दर्ज नहीं किए जाते, केस में छानबीन गलत तरीके से होती है, और मैं समझती हूँ आज के दौर में तो सबसे बड़ी चिंता ये हो गई है कि केस आगे बढ़ेगा या नहीं, ये इस बात से जुड़ गया है कहीं ना कहीं कि आप किस धर्म से हैं, किस जात से हैं, किस वर्ग से हैं, सामाजिक अगर गांव में है तो वहां कौन ताकतवर है,
और विक्टिम किस उससे है और जो प्रताड़ित करने वाले हैं एक या जो सामूहिक जब कांड होते हैं, तो तमाम राजनीतिक और विचारधारात्मक सवालों के साथ जिस तरीके से आज इन मुद्दों को उलझा दिया गया, मैं समझती हूँ वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ये सबसे स्पष्ट हुआ जब बिल्किस कांड में जो मुजरिम करार कर दिए गए थे, रेप मतलब कॉन्विक्टेड थे, कोर्ट से कॉन्विक्टेड थे रेप और मर्डर के लिए, उनको जब जिस तरीके से छोड़ा गया, जिस तरीके से उनको फिर मिठाई खिलाई गई, फूल मालाएं पहनाई गई, और जो एक बहुत ही दबी सी प्रतिक्रिया हुई, मतलब इस पर कितने सवाल हैं कि उन्हें कैसे छोड़ दिया गया वगैरह। और अगर हम देख लें उन्नाव कांड हो, दोनों जो उन्नाव कांड हाथरस कांड जो कछुआ, यहाँ तक कि जो पत्रकार जो इन्वेस्टिगेट करने गए थे वो अभी भी मतलब उनके खिलाफ सिद्दीकी अभी भी वो, तो ये तमाम जो है इन्होंने और उलझा दिया है इन मामलों को। और मैं समझती हूँ चिंता दोनों स्तर पर है, कानून, कानून की परिभाषा, कानून को लागू करने की जो पूरी प्रक्रिया है, और वो आखिर तक जहाँ कोर्ट तक जाती है, क्योंकि आपने जो एक सवाल पूछा था जो मैं शायद मैंने जवाब नहीं दिया, कि ये जो प्रोवोकेटिव कि मतलब आपने उकसाया, आपने उकसाया माने आप देख लीजिए वो केरला का एक जजमेंट आया जिसमें जज ने कहा कि मतलब, तो जो हमारी दकियानूसी सोच है और उस दकियानूसी सोच के साथ साथ जो आज का माहौल है जिसमें एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी सोच आगे बढ़ रही है, जिसमें औरतों को एक सांचे और खांचे के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है, और जो ही रहे वो, तो मैं समझती हूँ तमाम उलझने हैं, लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि वर्मा कमेटी के जो सिफारिशें थी उनमें सब तो नहीं मानी गई, कुछ मानी गई, कुछ पे बहुत ही इनडिफरेंट प्रतिक्रिया रही, एफ्सपा वाले उस पे जैसे मतलब अगर हम आपसे कहें और अपने ऑडियंस से पूछें कि भाई कौन सी सोच ये सही मानेगी कि राष्ट्र सुरक्षा के नाम पर आप बलात्कार करें, मतलब बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन डज रेप कम अंडर द एनी काइंड ऑफ नेशनल ड्यूटी। ये बात तो सावरकर बोल के गए थे कि हिंदू मर्दों को मुसलमान औरतों का रेप करना चाहिए, तो उतनी रेट्रोग्रेड बातें आज भी अगर हम लोग 21वीं शताब्दी के न्यू इंडिया में, तथाकथित न्यू इंडिया में बात करें, तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और कोई सेल्फ कंडेमिंग फ्रेमवर्क नहीं हम लोग पैदा कर सकते। आपने बिल्किस बानो का रेफरेंस किया था, मैं एक और चीज बिल्किस के साथ में एक और भी दूंगी नीलांजन, आपको याद होगा मणिपुर का जो मनोरमा कांड है जिसमें उन्होंने फिर वो न्यूड प्रोटेस्ट किया था, क्योंकि जो डिस्टर्ब्ड, क्योंकि एफ्सपा की बात हो रही थी, तो मतलब जो परिधि पर हैं और जिन्हें परिधि पर करा जा रहा है, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है या माइनॉरिटीज, उनको न्याय जब तक आप नहीं देंगे तो एक नागरिकता के स्तर पर हिंदुस्तान की औरतें तो लगातार ये सवाल पूछेंगी ना कि मतलब अगर हम कश्मीर में, अगर हम नागालैंड में हैं, अगर हम मणिपुर में, अगर हम मुस्लिम हैं, अगर हम दलित हैं, तो कहीं ना कहीं इन सब सवालों को जोड़ करके हमें इन चीजों पर सोचना होगा। न्याय और कानून में जो परिवर्तन आता है वो देखिए सिर्फ एक कांड से नहीं होता है, अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं कि जो कानून 2013 में बना उसका पहला जो मसौदा है वो महिला संगठन सरकार के पास 1993 में लेके गए थे जी। जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तो तब से करीब ऑलमोस्ट 20 साल आप कह लीजिए, मुझे अभी तक याद है कि निर्भया कांड से कुछ महीने पहले शायद सितंबर में जब सलमान खुर्शीद लॉ मिनिस्टर थे, तब भी महिला संगठन उन्हीं चीजों को लेकर एक ड्राफ्ट लॉ के ऊपर बातचीत हो रही थी। तो 2013 में इसलिए भी कानून बदला जा सका क्योंकि एक तैयारी थी आंदोलन के स्तर, एक सर्टेन प्रोसेस अंडरवे था। हाँ,
और बहुत लंबी बहस चल रही थी कि भाई जो आपने कहा कानून के रेप की परिभाषा, सिर्फ रेप ही क्यों, उसके मतलब रेप का जो एक पूरा पेट्रियाकल अंडरपिनिंग है उससे, तो वेजाइनल पेनेट्रेशन का जो सवाल आता है, तो उसमें जो यौन हिंसा के तमाम अलग अलग तरीके हैं उनकी परिभाषा शामिल करना, और सिर्फ सेक्सुअल असॉल्ट में और तरीके के सेक्सुअल इंटेंट से, जैसे उसमें वॉयरिज्म जिसको हम ताकझा कहते हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो इन सब चीजों पर एक बहस थोड़ी आगे बढ़ी। इसीलिए सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला वो जो जिसको पॉश क्या कहते हैं हम, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, वो कानून भी इसी के साथ साथ थोड़े वक्त में और पास किया गया। इन दोनों चीजों पर करीब 20 साल की बहस तो आंदोलन ने एक दबाव बनाए रखा था उसमें, मतलब कोई जल्दबाजी नहीं हुई, मुझे लगता है 20 साल की तो देरी हुई थी। तो ये 10 साल हो गए। एक आखिरी सवाल आपसे कार्यक्रम को एक दिशा पे कंक्लूड करने की कोशिश, ये मुद्दा तो खैर लाइव रहेगा तो मुद्दा तो हमेशा बात होती रहेगी, लेकिन विमेंस मूवमेंट और खासतौर से जो डेमोक्रेटिक और जो सेक्युलर मूवमेंट्स हैं उनकी तरफ से क्या पहलकदमी आगे होनी चाहिए हमारे समाज में महिलाओं को और सिक्योर करने के लिए, कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, कन्विक्शन रेट्स बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स की जरूरत लगती है? मुझे लगता है कि कानून में जो बदलाव आया उसके अलावा निर्भया कांड के टाइम पर जो आंदोलन हुआ उसका एक जो असर देखने को मिला, जो नौजवान लड़कियां हैं उनके अंदर एक जागरूकता एक स्तर तक आई, परिवारों में भी आई। परिवार, आपने देखा कि जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे पूरे परिवार के परिवार बच्चों समेत आ रहे थे। तो मैं आपको बहुत पीछे एक उदाहरण दूंगी, मैं मेरी पहली नौकरी थी 1978 का किस्सा है, ये कांड है, बहुत ही भयानक कांड था, गीता और संजय चोपड़ा का। मैं उसी कॉलेज में पढ़ाती थी, उसके क्लास के ही एक हिस्से को पढ़ाती थी जहां गीता चोपड़ा पढ़ती थी। उस समय पर जब विरोध हुआ, मैं आपको बताऊं कोई भी महिला संगठन नहीं थे, क्योंकि संगठन थे ही बहुत कम और वो अलग तरीके का काम करते थे। तो जब विरोध प्रदर्शन हुआ, मैं शायद अकेली टीचर थी उन लड़कियों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, राजपथ पर हमने प्रोटेस्ट किया था जी। तो हालांकि दिल्ली को हिला दिया था, बिल्ला रंगा मतलब एक मेटाफर बन गए थे प्रताड़ित, बहुत लंबे समय तक लोगों की जुबान पर इशू रहता। तो अगर मैं देखती हूँ मेरी जगह से, अगर आप देखते हैं तो 1978 के बाद 2012 में बहुत अंतर है। तो अंतर आता है, लेकिन क्या है जो बाकी संरचना होती है वो उस को दबाने की कोशिश करती है, उस डायलॉग को भी दबाने की कोशिश करती है। मैं समझती हूँ आज सबसे बड़ी चीज है कि जो नौजवान साथी हैं हमारे, और इसमें मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं, मुझे लगता है कि लड़कों को भी इसमें पुरुषों को भी सामने आना चाहिए, बिल्कुल, खास तौर से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का सवाल है, जो मीटू ने सवाल उठाए, तो इन डायलॉग्स में परिवार के स्तर पर, ताकि लड़कियों की हिम्मत बढ़े कि उनके साथ जो गलत नजरिए से उन्हें देखा जाता है या बर्ताव होता है वो भी वो व्यक्त कर पाए, औरों के साथ शेयर कर पाए। और ये कोई सिर्फ लड़कियां नहीं, हम जानते हैं सेक्सुअलिटी के स्तर पर लड़के भी शिकार होते हैं अलग अलग तरीके के मतलब फोर्स सेक्स को लेकर के भी, सेक्सुअलिटी को लेकर के भी। आज भी आप देखिए वो स्कूल का एक जो बच्चे स्कूल का केस लड़के तमाम ऐसे हमारी, हमें सबसे पहले तो अपने समाज के अंदर वो कॉन्फिडेंस लाना है कि हमें खुल के इन चीजों पर बहस करनी चाहिए। और सरकारों को तो आप छोड़ दीजिए, मतलब ये तो इनसे कोई उम्मीद रखना आज की तारीख में तो मैं क्या कहूँ, मतलब अपना सब कुछ सही आता है, लेकिन डायलॉग करना जरूरी है जजेस के साथ। जुडिशियल प्रेजुडिस जो होती है, एक सेंसिटिविटी उनके अंदर, वो संवेदना पैदा हो कि वो समझ सके, हमारे वकीलों के साथ, समाज के अलग अलग तबकों,
अलग अलग तबकों के बीच में ये एक सहमति बनाना कि जो औरतों के साथ हो रहा है, जो सेक्सुअलिटी के स्तर पर हो रहा है, जो सेक्स क्राइम्स जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और उनमें कितनी विभत्स, मतलब आजकल आप अखबार उठाइए, बॉडी चॉप्ड इनटू सो मेनी पार्ट्स, एक सिर्फ आफ्ताब को नहीं लीजिए, आप देखिए पेरेंट्स और चाइल्ड के भी, मतलब तो जिस लेवल पर, जिस स्तर पर हिंसा बढ़ रही है, अगर इसको हम एक आधुनिक समाज की ओर बढ़ना चाहते हैं, एक जनवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें इस पर खुले रूप से बहस और मीडिया को इसमें शामिल होना पड़ेगा, क्योंकि मीडिया एक तरफा नजरिया लेकर के नहीं चल सकता। मीडिया सरकार के दबाव में आए चाहे किसी के भी, सवाल यह है कि ये तो नहीं चलेगा अगर आप एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिर्फ जीडीपी बढ़ाने से तो नहीं बनेगी। 19वीं शताब्दी में आजादी से पहले तक अगर हम देखें तो खुलकर विचारों को, विचारधारात्मक स्तर पर एक बहस हुई, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज जिसको हम कहते हैं, रैशनलिज्म, विवेकवाद को बढ़ाने की बात आई, और उसमें सामाजिक सुधार के मुद्दे बहुत अहम थे। तो आज भी अगर आप अपने को आधुनिक राष्ट्र की परिभाषा देना चाहते हैं, और आप G20 की चाहे लीडरशिप लें चाहे किसी की भी, लेकिन अगर इतनी गंदगी और इतनी विभत्स, इतनी ज्यादा विभत्स हत्याएं, विभत्स कांड होंगे, तो मैं समझती हूँ हमें अपने अंदर झांकना चाहिए। ये नहीं कि पाश्चात्य देश का मीडिया हमें कैसे कह रहा है, बीबीसी की फिल्में हमें, सवाल ये हमें अपने अंदर सोचना है ना कि हम क्या, हम किस तरीके का समाज बनाना चाहिए। आपने मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि हमको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। आपसे बात करके मतलब बहुत अच्छा लगा। एक आखिरी चीज मुझे याद आ रहा है जो मुझे बता देना चाहिए, कि आपको याद होगा कि 2012 के केस के बाद बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी थी इंडियाज डॉटर, उसको लेके हिंदुस्तान में भयानक प्रोटेस्ट हुआ था, वो फाइनली बैन कर दी गई थी। इस तरह की जो मीडिया के जो इनिशिएटिव्स हो, इसको बैन कर देने से हम लोग सिर्फ अपने अंदर झांकने की जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग रोकेंगे, उससे कोई सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो सकती। तो हम दावा जरूर करेंगे कि हम विश्वगुरु बन रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो एक बहुत ही बड़ा, मतलब हम क्या कहें कि मतलब कोई ग्रोथ नहीं हो रही, कोई ह्यूमनिज्म की तरफ हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन हमको हमेशा हमारे देश के बारे में देखने को मिलेगी। इंदु जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और श्रोता इस कार्यक्रम को देखें, 10 साल बाद 2012 के दिल्ली रेप केस के बारे के बाद में देखने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।